गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट जो टेंस और मैच चल रहे थे पीछे की क्लासेस में, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेंस के अंदर पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में कुछ फैक्ट्स भी जाने और उनके कुछ सेंटेंस भी बने कि किस प्रकार से हमको पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस बनाने और किस प्रकार से उसमें डिड का उपयोग करना है, किस प्रकार से किस स्थान पे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, जब मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा तो होगा उस टाइम जब मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा उस केस में आपके सेंटेंस में किसका प्रयोग नहीं होता है, डिड का प्रयोग नहीं होता है। अगर सेंटेंस में आपने डिड का प्रयोग किया है, नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे वो इंटरोगेटिव हो, तो दोनों प्रकार के सेंटेंस में अगर आपने डिड का प्रयोग होगा इस डिड का प्रयोग तो इन दोनों सेंटेंस में, और उनमें अगर आपने डिड का प्रयोग किया है तो आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग न करते हुए किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और कल मैंने जो पास्ट सिंपल टेंस है हमारा उसके यूजेज के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। तो पास्ट सिंपल टेंस के अपने यूजेज में ये देखा था कि यूज टू को साथ में लेकर पास्ट के इफेक्ट को शो करते हैं, इसको लेकर के यूज टू को शो करके लेकर के पास्ट के इफेक्ट को शो करते हैं। दूसरा हमने देखा था इम्प्रोबेबल जो कंडीशन होती है, इम्प्रोबेबल का मतलब असंभाव्य जो कंडीशन होती है, सत्या होती है कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा करता, ऐसा कुछ होता तो ऐसा करता, कहने का मतलब ऐसा था ही नहीं, इसका मतलब कंडीशन तो कैसी है, इम्पॉसिबल है, इम्प्रोबेबल है। ऐसी कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब एक साइड मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी साइड पर हम इसका प्रयोग करते हैं वुड का प्रयोग करते हैं, क्लियर। उसके बाद में हमने देखा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमने देखा था कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो जो वर्ब और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम लोग आईएनजी का, और उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आज अपन चर्चा करते हैं कौन से टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। कौन से टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको रोजाना बोलता हूँ वो चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि जैसे वीडियो शुरू करते हैं तो 144 की क्वालिटी के अंदर वो क्या होता है, प्ले होता है, लेकिन आपको उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करके 360 में देखना है। 360 में देखेंगे तो आपको ब्लैक बोर्ड भी एकदम क्लियर दिखाई देगा, और उसी के साथ में आपकी जो वॉल्यूम है जो आवाज़ है वो भी आप ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर सुनाई देगी। अब अपन इस क्लास में आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, हेड और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, हेड और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। एक मिनट स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। कोई जो कोई कार्य पास्ट में क्या हो चुका है, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट हो चुका है, निपट चुका है उस कार्य के लिए, दैट वर्क दैट वाज कंप्लीट इन पास्ट टाइम, ऐसा कार्य जो पास्ट टाइम में क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, पूरा हो चुका था, ऐसे कार्य के लिए इसका प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इस टेंस में जो एक जो सबसे बड़ी बात आपके लिए वो पहले बता दूं, इस टेंस का जो अकेले में यानी कि इस टेंस का परफेक्ट टेंस का अकेला परफेक्ट टेंस के साधारण से सेंटेंस बनते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस टेंस के साथ में हम क्या करते हैं, दूसरे टेंस को भी इंक्लूड करके भी पढ़ेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में तो देखते हैं कि राम बाजार से पहुंच चुका था,
राम बाजार से घर पहुंच चुका था, तो सबसे पहले वही हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले तो किसका उपयोग करते हैं सब्जेक्ट का, बाद में किसका उपयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, बाद में किसका उपयोग करते हैं मेन वर्ब, और बाद में किसका उपयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या हमारा राम, क्या रखेंगे राम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं जिसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी हैड, बाद में किसका उपयोग करना है आपको मैन वर्ब का उपयोग करना है, किसका उपयोग करना है मैन वर्ब का, और मैन वर्ब हमारी कौन सी फॉर्म लगानी है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगानी है, इसका मतलब मैन वर्ब क्या हमारी पहुंचना, पहुंचने को क्या कहते हैं अराइव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपको थर्ड फॉर्म में क्या जाएगा राम है अराइव, कहां पहुंचता था डर, कहां से फ्रॉम, कहां से पहुंचता था मार्केट, इस प्रकार से आपको राम एंड अराइव होम फ्रॉम मार्केट, राम बाजार से घर पहुंच चुका था। इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे जिस प्रकार से बनाएंगे राम क्या रहेगा हैड, नोट याद होगा आपको आई डू नोट नो, इसका मतलब डू के बाद में क्या रहा था नोट, यानी एचवी के बाद में इसका उपयोग होता है नोट का, राम हैड नोट अराइव होम फ्रॉम देयर ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम देयर मार्केट, अब इसमें मार्केट से मार्केट के साथ में बैकअप यू क्यों, मार्केट के साथ में बैकअप यू क्यों, क्योंकि जब अपन किसी चीज़ को स्पेशलाइज करते हैं, स्पेशलाइज का मतलब उसको विशेष तौर पे अपन विशेष तरीके से उसको प्रकट करते हैं जो हमारे लिए स्पेशल बन जाती है, इस कंडीशन में वो अपन कोई भी जगह होती है कोई भी वस्तु होती है उसके साथ में उसका उपयोग करते हैं बैग का उपयोग करते हैं, कैसे कि राम घर पहुँचता है कहाँ से बाजार से, लेकिन उसी बाजार की बात की जाएगी जिस बाजार से राम कहाँ आया घर है, इसका मतलब वो बाजार हमारे लिए क्या हो गया स्पेशलाइज हो गया स्पेशल हो गया, इसका मतलब इसी कारण से हम किसका प्रयोग करते हैं मार्केट के साथ में दैट का प्रयोग करते हैं, वो अपन आर्टिकल्स होंगे या डिटरमिनेंट्स होंगे उसमें अपन आप लोगों को खुल के बताएंगे। आगे देख सकते हैं अब अपन बनाएंगे इंट्रोगेटिव, किससे शुरू होने वाला एच वी साहब, तो अपन क्या बताएंगे हैड फॉर्म क्या लेंगे राम, आपका मैंने बताया डू यू यानी सब्जेक्ट आ गया, बाद में क्या लेंगे मेनो अराइव कहाँ होम फ्रॉम कहाँ से फ्रॉम द मार्केट, क्लियर है। उसके बाद में अपन इसका डब्ल्यू एच वर्ड बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा बन सकता है राम कहाँ से घर पहुंच चुका था, राम कहाँ से घर पहुंच चुका था और कौन बाजार से घर पहुंच चुका था, तो कहाँ को अपन क्या बोलेंगे वेयर, अब कहाँ से घर पहुंच चुका था इसका मतलब क्या नहीं सो पढ़ना है बाजार को सो नहीं करना है, सो समझ रहे मेरी बात को कि राम कहाँ से घर पहुंच चुका था इसका मतलब जॉब क्या मिल रहा है बाजार से, इसका मतलब बाजार वेयर वाले शामिल इंक्लूड या आपको लिखना नहीं है, कैसे कि वेयर उसके बाद में किसका उपयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, क्या हो गया वेयर हैड क्या हो गया वेयर, और उसके बाद में हैड बाद में क्या आता है सब्जेक्ट, तो राम बाद में क्या चाहिए बताया क्या आपका मैन वर्ब अराइव फ्रॉम पेरेंट राम अराइव फ्रॉम कि राम कहाँ से घर आ चुका था, क्लियर। उसके बाद में जैसे अपन बनाए इसका डब्ल्यू एच वर्ड से हू से हू हैड अराइव फ्रॉम द मार्केट कि मार्केट से कौन घर पहुंच चुका था, तो क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा हमारा राम, इसका मतलब हमको किसको स्विच ऑन नहीं करना है राम को, इस लाइफ में आपको इंक्लूड नहीं करना,
क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको सेंटेंस को क्या करना है बनाने की कोशिश करूँ, और आपके सामने कई प्रकार के एग्जांपल्स आपकी गाइड्स के अंदर और बुक्स के अंदर अवेलेबल है, उसमें से आप सहायता लेकर के आप सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। इजी वे में आराम से आपसे सेंटेंस बन सकते हैं। बड़ा सेंटेंस है तो बड़ा सेंटेंस के लिए मैंने स्टार्टिंग की क्लास में एक अच्छा सा पैटर्न बताया था। क्या बताया था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, पीछे से शुरू कर सकते हैं, सब्जेक्ट को लिखो और हेल्पिंग वर्ब को लिखो और पीछे से चले जाओ, और पीछे से उल्टे उल्टे करते हुए आपको क्या करना है, पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ऐसी कंडीशन में हमारा 99% सेंटेंस सही हो जाता है। 1% ऐसे कुछ सेंटेंस एक्सेप्शन के रूप में होते हैं जो सेंटेंस इस प्रकार से बन नहीं पाते, लेकिन 99% सेंटेंस इस प्रकार से आप अच्छे से देख करके आराम से बना सकते हैं। कैसे, ये एक बड़ा सेंटेंस है, सब्जेक्ट लिख दिया वहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, फिर पीछे से शुरू करते करते पूरे सेंटेंस को इस प्रकार से बना सकते। क्लियर? अब अपन बात करते हैं कौन सी टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी क्या है, हैड बीन। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, आईएनजी। और इसमें हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो सेम ही रहता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें आएगा बाद में सिंस या फॉर, और बाद में क्या आएगा आपका टाइम। इसमें सिंस और फॉर को इंक्लूड करते हुए आपको लास्ट में क्या जोड़ना है, इसके साथ में टाइम को जोड़ना है। कैसे, इसमें वही आपको कि कुछ कार्य पास्ट में कंप्लीट हो चुका था और कुछ कार्य अभी भी क्या है, जारी दिखाया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका उपयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करें। जैसे मैं 2 घंटे से टेंथ क्लास में, टेंथ कक्षा में पढ़ा रहा था, मैं 2 घंटे से 10वीं कक्षा में पढ़ा रहा था। इसमें ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, प्रयोग किसका होगा, टाइमिंग का। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हमने देखा था, भले आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर का हो, भले आपका कैसा हो, प्लूरल का हो, इसमें एक ही वर्ब है, इसका मतलब आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी हेडिंग का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ में भी हेडिंग का प्रयोग करेंगे। वो एक पास्ट परफेक्ट में था, एक वर्ब थी, क्या थी, हेड, इसका अपन साथ में प्रयोग किसके करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी उसी का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसमें हेड बीन और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी, इसका ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं सेंटेंस कि मैं है, इसका मतलब है आई, सब्जेक्ट हो गया, बाद में आता है इसका आपको हेल्पिंग वर्ब एच बी, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हेड बीन, तो आई हैड बीन। इसके बाद किसके जाना है, मैन वर्ब पे, मैन वर्ब क्या इसमें, पढ़ाना, तो पढ़ाने में क्या कहते हैं, हैड बीन टीच, और टीच के साथ में अपन किसका उपयोग करेंगे, आई एन जी की फॉर्म आएगी, क्या करेंगे, टीचिंग। और उसके बाद में क्या बोला जाएगी, बाद में आना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मान लो मैं 2 घंटे से 10th क्लास में यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश। अगर अंग्रेजी नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट अपन समय पे चले जाएंगे। और कौन सी क्लास में, कौन सी क्लास में पढ़ा रहा था, 10th क्लास में, इन कक्षा में, इन 10th क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ा रहा था, 10th क्लास। अब अपन बात किसकी कर रहे थे, ऑब्जेक्ट आते हैं उसके बाद में अपन बात जो किसका करते हैं, सिंस या और का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, सिंस या और का, इसका मतलब हम किसका प्रयोग करेंगे, वही आपको मैंने सिंस और फोर का जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अपन पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था
कि टू द पॉइंट के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय की अवधि के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दो घंटे जो आपको दिखाए गए हैं वो क्या आपकी पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, और समय की अवधि के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, और फॉर के बाद क्या दिया है, दो घंटे से क्या हो जाएगा, टू आवर्स। क्लियर? इस प्रकार से आपको सेंटेंस है क्या रहेगा, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश इन 10th क्लास फॉर 2 आवर्स, यानी दो घंटे से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। वो नेगेटिव में अपन, नेगेटिव में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद कर रखनी है, ये बार बार आपसे कंफ्यूज कर क्रिएट करती है, याद ये रखना है कि जिस वर्ब के हेल्पिंग ऑफ दो टुकड़ों में, दो टुकड़ों मतलब जिसमें बीन भी लगाओ या बी लगाओ साथ में या हैव लगाओ, ऐसे वर्ब्स के बीच में नेगेटिव वर्ड जो आएगा, नोट जो आएगा, वो आपका दोनों वर्ब्स वर्ड्स के दो टुकड़ों के बीच में लेकर जाना है इसको। तो क्या हो जाएगा, राम, अपन ने पढ़ा भी था इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें क्या आ रही थी, हैज बीन, हैव बीन आ रही थी, तो मैंने बताया हैज नॉट बीन होगा, हैव नॉट बीन होगा। तो क्या हो जाएगा, यहीं पे भी हैड नॉट बीन, और ये क्या है, टीचिंग इंग्लिश इन, आगे आ जाती इस प्रकार से। अब अपन इसका नेगेटिव जो सॉरी इंटरोगेटिव बनाए, और किससे, हेल्पिंग वर्ब से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बार बार आपसे क्यों बोल रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसी के अंदर ये है आपकी, कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस बनाने आने चाहिए। सेंटेंस आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा, लेकिन जब भी आपसे जो फिलिंग द ब्लैंक्स जो आपका क्वेश्चन टाइप आएगा, क्वेश्चन का जो एक टाइप आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, उसमें आपको शादी का पोर्शन नहीं मिलेगा। या तो सब्जेक्ट लिख भी दिया जाएगा, कई कंडीशन में आपको सब्जेक्ट भी नहीं दिया होगा, सब्जेक्ट फिर आपको ब्रैकेट में मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये सोचना है कि सेंटेंस आगे इंट्रोगेटिव है तो हम किस प्रकार से बनाएंगे उसको, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, कई बार पहले सब्जेक्ट को रख देते हैं, कई बार में जो वर्ब्स के दो टुकड़ों में उनको डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन को आपको अच्छे तरीके से हैंडल करना है, कैसे, कि सबसे पहले आपको मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स आ गए, एक तो आ गया हेड, एक आ गया बीन, तो इसमें दो पार्ट्स का है, इसका मतलब आपको बीच में क्या लेना है, सब्जेक्ट हेड आई बीन, बाद में क्या रहेगा टीचिंग, बाद में इंग्लिश, इस प्रकार से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्लियर है? अब अपन बोले कौन दो घंटे से 10th क्लास में हमने इसे पढ़ा रहा था, तो क्या बोलेंगे, वो हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, आगे रिजल्ट होता जाएगा आपका कंप्लीट, क्योंकि आपको सब्जेक्ट लिखना नहीं है, सब्जेक्ट की जगह आपने किसका प्रयोग कर दिया, डब्ल्यू एस वर्ड वो का प्रयोग कर, और सब्जेक्ट के बाद में मैंने बताया कि वोट इज योर नेम, यानी डब्ल्यू एस वर्ड के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग ओवर, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो बाद में उस पर जाएंगे आई होप, बाद में ऑब्जेक्ट पे, इस प्रकार से आपको आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? अब आपको एक विशेष एक जो सेंटेंस आपका एक नंबर का अवश्य आता है, 10th क्लास में 101% है और हर बार आता है, वो सेंटेंस देखना किस प्रकार से आपको बना। क्लियर है? ये जैसा पैटर्न है आपका आराम से, मैं जैसा कि मैं सोचता हूँ जैसे मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को ये आराम से समझ में आ गया, क्योंकि हमने इस प्रकार से कई प्रकार के सेंटेंस बना चुके हैं, पैटर्न भी हमारे को याद हो चुका है। जैसे देखते हैं से एक सेंटेंस देखना जो आपका चलता है बिफोर और आफ्टर से, दो का कॉम्बिनेशन देगा उसमें, जो एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के नोट कर लेना,
इसमें प्रयोग होता है आपका बिफोर और एक प्रयोग होता है आपका आफ्टर। इन दो का प्रयोग होता है बिफोर और आफ्टर का। शायद आप रोजाना कंफ्यूज हो गए होंगे कि कहाँ पे बिफोर रहेगा और कहाँ पे आफ्टर रहेगा, तो कौन सा काम पहले हो गया कौन सा काम बाद में हो गया, इस प्रकार से। अब इस सेंटेंस प्रकार का जो सेंटेंस होगा इसमें दो टेंस का प्रयोग होगा, एक तो आपका होगा पास्ट सिंपल टेंस एक आपका प्रयोग होगा इसका पास्ट परफेक्ट टेंस। ये भी एक उनके यूजेज में से लेकिन इंपॉर्टेंट टेंस भी आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे वो आपकी सेकेंड फॉर्म प्लस कहने का मतलब सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के रूप में देखें वो आपकी सेकेंड फॉर्म प्लस होते हैं। एक साइड जो आएगा वो क्या आएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो आपके हेल्पिंग वर्ब क्या है हेड प्लस मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म बाद में होती है। ये पैटर्न देखा क्लियर, एक साइड का सेंटेंस आपको दिया हुआ मिलेगा दूसरी साइड का सेंटेंस आपको कंप्लीट करेगा। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस दे रहा हूँ जो रोजाना आप पढ़ते हैं इसको। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये एक सेंटेंस जैसे द ट्रेन हैड गॉन द ट्रेन हैड गॉन बिफोर सी the bell ring after I ये तीन सेंटेंस को देखना आराम से बिल्कुल क्लियर है। अब इनकी पिक्चर के सामने आपको एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, शायद आपने ये सेंटेंस इस प्रकार के सेंटेंस मैं जानकर मानता हूं गलत करके, क्योंकि ये सेंटेंस बार बार आपको कंफ्यूज करते हैं कि कौन से साइड में पास सिंपल होगा कौन से साइड में पास परफेक्ट टेंस होगा। एक ही बात से आपको पूरा क्लियर हो, केवल ये देखना है कि जो काम दैट वर्क कंप्लीट फर्स्ट जो कार्य पहले पूरा हो, जो काम पहले पूरा हो। अब पहले पूरा हुआ है बाद में पूरा हुआ इसका मतलब कि जो काम पहले पूरा हुआ इसका मतलब आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस बने हैं। एक तो सामने आपका पास सिंपल टेंस है और एक आपका है पास सिंपल टेंस। ये देखने में नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल नाम ही सिंपल, नाम ही क्या इसका सिंपल, इसका मतलब ये सिंपल ही और ये क्या है परफेक्ट है। इसका मतलब जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ वो काम कैसा हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि द वर्क दैट वाज डन फर्स्ट जो सबसे पहले हुआ था जो काम वो कौन सा है, वो काम कैसा हो गया परफेक्ट है पूरा हुआ। जो काम बाद में किस काम को करते हैं हम लोग, जो छोटा मोटा काम होता है सिंपल सा काम होता है उसको हम क्या करते हैं बाद में रख लेते हैं। इसका मतलब जो ये सेंटेंस में बता रहा हूँ इन सेंटेंस में जो काम आपका पहले हुआ है
वो सेंटेंस तो आपका किसका मिलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो काम किसमें हुआ है उस काम के बाद में हुआ है वो किसमें रहेगा आपका, पास्ट सिंपल टेंस में रहेगा। कैसे रहेगा देखना मेरी बात को समझना, कि द प्रेजेंट हैड डाइड बिफोर, बिफोर का क्या होता है आपका पहले, द डॉक्टर केम, सी ए एम ए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ पे एडवर्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एडवर्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस। क्लियर? अब जो काम पहले हुआ जो किसमें रहेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जिसका जो काम क्या हुआ है पहले हुआ, जो काम क्या हुआ है बाद में हुआ है इसका मतलब उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। कैसे? कि द प्रेजेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के केम यानी आने से, बिफोर यानी पहले, द प्रेजेंट हैड डाइड, प्रेजेंट क्या हो चुका था मर चुका था, इसका मतलब काम पहले कौन सा हुआ पेशेंट का मरना, मरीज का मरना, और उसके बाद में कौन पहुंचा डॉक्टर आया, इसका मतलब पहले काम कौन सा हुआ पेशेंट का मरना, इसका मतलब इस साइड में क्या रहेगा पेशेंट वन साइड में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और इस साइड में आपको क्या मिलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो एक साइड आपको कंप्लीट मिलेगी, कैसे यहाँ पे बिफोर दे दिया और ये यहाँ से इरेज कर दिया, और डॉक्टर देख दिया यहाँ से वो आपकी इरेज कर दी, यहाँ पे दे दिया आपको सी ओ एन कॉम, और इसके लिए आपको दे दिया डाइट। अब आपको इसको क्या करना है कंप्लीट करना। अब आप यहाँ कुछ कर देते हैं ऐड के, हम यहाँ पे कर देते, हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ आप क्या करते हैं यहाँ पे वो आप किसी के फॉर्म कर देते हैं। इसी कंडीशन में आपको ये देखना है कि जो काम क्या हुआ है पहले हुआ है वो क्या हो गया परफेक्ट हो गया, इसको तो हेड प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखना है, जो काम बाद में हुआ उसको क्या रहे कौन सी फॉर्म में रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे द ट्रेन हैड गोन, ट्रेन जा चुकी थी बिफोर सी रीच द स्टेशन, उसके स्टेशन रीच का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हेड प्लस वर्ब की क्या रही है थर्ड फॉर्म। इन ट्रेन क्या हो चुकी थी जा चुकी थी इससे पहले उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, सी एन वो लड़की है उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, इसका मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आएगी, पहले कौन गई ट्रेन गई लड़की तो बाद में पहुंची, पहले कौन गई ट्रेन, इसका मतलब हेड प्लस परफेक्ट में किसको रखना है ट्रेन वाले सेंटेंस को, और आगे वाले सेंटेंस को किसमें रखेंगे हम लोग पास्ट सिंपल टेंस में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये देखना आफ्टर, अब प्रकार क्या होता है कि बाद, अब इसको समझना, ये कंफ्यूज और ज्यादा कर देते हैं बाद, ये कंफ्यूज करने करते करते बंद होते हैं, इंडियन आफ्टर आते हैं कंफ्यूज डबल हो जाते हैं। कैसे? आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल, घंटी बजी इसके बाद में बजी, यहाँ पे बिफोर लगाते हैं पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा, बिफोर लगाते हैं सेंटेंस क्या हो जाएगा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, बिफोर लगा दिया तो यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, है कि नहीं। तो द बेल रेंग यानी घंटी बजी, क्लियर? अब रेंग के बाद का हेड प्लस द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी, इसका मतलब पहले काम कौन सा हुआ स्कूल पहुंचा तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम क्या हुआ है बाद में हुआ है इसमें क्या रहेगी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे इसी सेंटेंस को मैं आपके सामने रख दूं, जैसे द बेल हैड रिंग रंग ऑफ बिफोर आई स्कूल, ये भी सही है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले क्या हो चुकी थी घंटी बज चुकी थी, तो अब पहले काम कौन सा हो रहा है बेल का बजना, इस सेंटेंस में पहला क्या हो रहा था मेरा स्कूल पहुंचना, तो जो काम पहले हो रहा है उसमें हेड प्लस वर्ब की क्या आएगी थर्ड फॉर्म आएगी, और जो काम क्या हो रहा है आपका बाद में हो रहा है उसमें कौन सी फॉर्म आएगी सेकंड फॉर्म, ये आपका बिफोर हो गया। क्लियर? और बाकी जो सेंटेंस है उनको भी आप देखने की कोशिश करना, ट्राई करें, आपसे पॉसिबल है आप आराम से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, टेंस कोई हार्ड चीज़ को है नहीं, आराम से इसको और जो आपके सामने आती है उसको सोल्व करें,
अपनी डाइट या फिर की सहायता लेकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज निकालें। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा इसके बारे में यूजेज के बारे में लेकर के आएंगे। फर्स्ट परफेक्ट टेंस के यूजेज हैं, उनको अपन समझेंगे और किस प्रकार से उनको सोल्व करेंगे।